गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे नंबर 169। आज के मैसेज को भी मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। ओके, मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी कार है और आप, एक ज़माना था जब आप बहुत चलाया करते थे उस कार को, हर जगह घूमते थे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे एंड ऑल दैट, आपकी अच्छी मेमोरीज है। और आज आप किसी रीज़न के वजह से कार नहीं चला पा रहे हैं, या तो कार बंद है, या आप चलाना भूल गए हैं, या आपका लाइसेंस खो गया, कोई भी रीज़न हो आप अभी कार नहीं चला रहे हो, ठीक है। बट आपको अभी एक बहुत सुंदर वेकेशन पे जाना है अपने फैमिली को लेके उस कार में, तो अब आपको ना पुराने दिन याद आएंगे कि कैसे मैं कार चलाया करती थी, कितना अच्छा सा समय बिताया करती थी। तो क्या वैसा सोचने से, पास्ट के बारे में वो मेमोरीज को याद करने से, क्या आप अभी उस वेकेशन पे जा पाओगे कार चला के? नहीं, आपको अभी अपनी कार को निकालना होगा, जो भी इशू है आपका, लाइसेंस हो, ये हो, वो हो, वो सॉल्व करना होगा, फिर आपको कार रिपेयर करके स्टार्ट करके चलाना होगा, तब जाके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, राइट? चाहे आप पास्ट के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ भी सोचो, लेकिन काम तो आपको प्रेजेंट में ही करना होता है, कोई भी, एवरी वर्क। आप एग्री करते हो मेरे साथ? ओके, सो यही आज का मैसेज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके अभी पे, प्रेजेंट मोमेंट पे काम कर रहा है। तो आपकी पिछली लाइफ चाहे कितनी ही आसान क्यों ना हो या कितनी ही हार्ड क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है कि आपके साथ क्या क्या हो चुका है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस गए। अभी आप राइट नाउ आप जो क्रिएट करोगे वो आपके साथ होगा, आप समझ रहे हो? अभी आप अपने सोच को, अपने थॉट्स को जैसा शेप करोगे ना, वैसी चीज़ें आपके साथ होंगी। जैसे कि कार अभी ही चलानी है, वैसे आपको थॉट्स भी अभी ही क्रिएट करने हैं। चाहे आप अगर आप ऐसे पकड़ के रखोगे कि मेरी पिछली लाइफ बहुत बुरी रह चुकी है, तो शायद मेरे साथ अब भी बुरा होगा, मुझे पहले धोखा मिल चुका है तो शायद मुझे अभी भी धोखा मिलेगा, मैं पहले फेल हो चुकी हूँ तो शायद मैं अभी भी फेल रहूँगी, तो देर इज़ नो कनेक्शन इन दिस। जैसे कि आप कार की पुरानी मेमोरी सोच के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई काम बनने ही नहीं वाला, दैट इज़ जस्ट अ मेमोरी। उसी तरीके से आपके ये सारे एक्सपीरियंसेस भी बस एक याद है, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। बुरे एक्सपीरियंसेस सबके लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपके लाइफ में बुरा ही होना है। तो इस ख्याल को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए अगर आप ऐसा सोचते हो। अभी इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हो, इसी क्षण आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो आपके मन में चल रहा है। तो अच्छा सोचना हर पल, इसीलिए कहते हैं कि एवरी टाइम यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, क्योंकि हर एक मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट मैनिफेस्ट होता जा रहा है। सो कीप योर एनर्जीज हाई, अपने मन को भी हैप्पी रखो, अच्छा रखो, फ्री रखो, एंड मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू वांट। ओके, यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। हैव अ वंडरफुल डे।